जाबाज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज है जी इस्लामाबाद ओपनिंग लीग ट्रैवलिंग सीरीज़ की एपिसोड 9, 2 जुलाई 2023 चौथा दिन है। और जुलाई अगस्त में आपको पता है गर्मी होती है, इसलिए हम जुलाई अगस्त में जहाँ भी जाते थे शाम को ही जाते थे, इसलिए ज़्यादा जगह कवर नहीं हो सकती थी, तो हम एक ही जगह जाते थे, ज़्यादा जगह नहीं जाते थे। तो अभी 2 जुलाई को ईद अज़हा थी और कोई तकरीबन दूसरा के तीसरा दिन था और हम फैसल मस्जिद गए थे। अभी आप ये रास्ते के जो है ना मनाजिर देखें, अभी आपको जाके फैसल मस्जिद जाके मिलते हैं, दिखाते हैं आपको फैसल मस्जिद। अभी जी हम पहुंच चुके हैं फैसल मस्जिद, ये जो उसकी पिछली साइड है वहाँ पे हमने बाइक खड़ा किया था और अब वहाँ से हम इंटर हो रहे हैं अंदर। हम फ्रैंक से इंटर नहीं हुए थे, पिछली साइड का बाइक खड़ा किया था वहाँ से इंटर हुए थे। ये अभी हम दरमियान में जो वाइट वाला मार्बल है, अमूमन मुझे नहीं पता ये किस चीज़ से बना हुआ है, लेकिन ये जो मार्बल है ये अमूमन जो दूसरा मार्बल होता है उससे ठंडा होता है, उसके मुकाबले में वो ज़्यादा गर्म होता है, तो उस पर हम चाह रहे थे। ये अभी देख सकते हैं आप, ये जो ना यहाँ से नज़र आता है जो सामने वाला फ्रंट वाला जो गार्डन सा बना हुआ जो वो नज़र आ रहा है, और इस सामने देख सकते हैं ये ज़िया उल हक़ का मज़ार है। यहाँ भी हम वीडियोग्राफर में आपको लेकर जाऊँगा और दिखाऊँगा। अभी जो है ना हम मस्जिद के आते हैं, थोड़ा चक्कर लगा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। गर्मी काफ़ी थी जिसकी वजह से जो हमें चलें मुश्किल हो रही थी मार्बल पर, क्योंकि मार्बल गर्म होता है, और जो वाइट वाला मार्बल है वो भी काफ़ी हद तक जो था ना वो भी गर्म था। वैसे वो गार्बन वो जो होता है वो इतना गर्म नहीं होता, लेकिन वो भी उस दिन किसी हद तक गर्म था वो भी। तो अभी दिखाते हैं जी आपको, अभी आपको दिखाया एक साइड जो फ्रंट साइड है जहाँ गार्डन से बना हुआ, जहाँ लोग बैठे होते हैं, जो मज़ार भी है। अभी आपको दिखाते हैं दूसरी साइड इसकी। ये सारा जो था जी ये इसका सहन था। ये भी देख सकते हैं ये इसकी बैक साइड है मस्जिद की, ये पीछे जो है ना मरगला की पहाड़ियाँ हैं जिसमें ट्रेल 6 भी है। और अभी मैंने दिखाई थी आपको पहले फ्रंट साइड की, ये बैक साइड है और ये दरमियान में सहन सा है। और अभी ये है जी मस्जिद की राइट साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो है ना वजू करने की जगह है। तो अभी आप देखें ये, अभी हम यहाँ से जाएंगे इसकी बैक साइड पे और फिर लेफ्ट साइड पे। ये जी जो मेन मंदिर मस्जिद का हाल है, उसमें जो ना हमने काफ़ी कोशिश की थी इंटर की नमाज के वक्त कि हम वहाँ इंटर हो जाए, लेकिन काफ़ी रश था जिसकी वजह से वो लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए थे और हम वहाँ इंटर नहीं हो पाए थे। ये आप देख भी सकते हैं, ये जी अब उसकी राइट साइड पे हमने पहले एक पूरा मस्जिद का चक्कर लिया था,
सब मस्जिद देखी थी, उसके बाद फिर हमने आखिर में नमाज़ पढ़ ली थी वहाँ पे, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाए थे जो मेन हॉल है। ठीक है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर कभी चले जाएंगे वहाँ पे। अभी आप देखें ये जो है ना, ये राइट साइड है, ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे, ये मीनार सा बड़ा सा, ये मीनार है और ये राइट साइड है, यहाँ वज़ू की जगह है। और अभी हम ये जो राइट साइड से जाएंगे इसकी मस्जिद की जो बैक साइड है उस पर, ठीक है। अब हम ये जा रहे हैं जी मस्जिद की बैक साइड पर। यहाँ भी दरवाज़ा था, काफ़ी दरवाजे थे लेकिन सब बंद थे, क्योंकि वो जो स्टाफ था वो अंदर इंटर नहीं होने दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी। मैंने आपको बताया कि हम ईद के दिन गए थे, गलबन दूसरे के तीसरे दिन, तो इसलिए बहुत रश की वजह से उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। ये है जी मस्जिद की बैक साइड, यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन जिसकी यहाँ पे धूप काफ़ी थी और कोई नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो मार्बल गर्म था और हमें बहुत तेज़ तेज़ चलना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे पाँव जल रहे थे। ये जो वाइट कलर था ये भी यहाँ पे बहुत गर्म था, ये भी ऐसा नहीं दिखा रहा था, शायद कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी गर्म था जिसकी वजह से हमारे पाँव जा रहे थे और अच्छे खासे जो है ना लाल सुख हो गए थे। ये जो बैक साइड है इस पर भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ भी जगह है वजू करने की। अभी जो थी ज़मीन बहुत गर्म थी, तो हम भागते भागते जो है ना गए थे साए में, क्योंकि पाँव जल रहे थे हमारे तकरीबन। ये जी हम बैक साइड से अब लेफ्ट साइड पर आ गए और ये पाँव देख सकते हैं अभी आप हमारे, ये देखें जी ये हमारे पाँव और ये लाल सुख हो गए क्योंकि मार्बल बहुत गर्म था। ये भी हम बैक साइड से एंटर हो गए हैं, अभी हम ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने मीनार है, यहाँ पे वजू करने की जगह नहीं है। राइट साइड पे थी, एक बेसमेंट में थी, वो दिखाऊंगा मैं आपको बाद में, और एक बैक साइड पे थी, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं अभी आप, यहाँ सामने एक मीनार है, ये लेफ्ट साइड है। अभी हम जा रहे हैं जो नीचे बेसमेंट कह सकते हैं इसे, यहाँ पे वजू खाना है, यहाँ पे जगह बनी है वजू करने की, इसको मैं आपको भी ऊपर से भी जाके दिखाऊंगा। अभी आप देखें यूँ जाती हैं नीचे सीढ़ियाँ और यहाँ जगह बनी है वजू करने की, वहाँ पे हमने वजू किया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी थी। देख सकते हैं आप राइट साइड पे, दाएँ साइड पे जगह बनी है वजू करने की, लोग वजू कर रहे हैं, उसके बाद हम ये ऊपर आ गए थे। ये देखें जी फ्रैंक से है, ये फ्रैंक सब देख सकते नीचे वो जगह वजू करने की, ये सब मैंने फ्रैंक से बनाई थी, क्योंकि ये सामने जो है मस्जिद है, ये मस्जिद का फ्रैंक है और इसके नीचे जो है ये सब वजू करने की जगह है। ये नीचे एक बड़ा सा साइड भी जगह बनी है, दरमियान में भी जगह है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये मस्जिद का फ्रंट है। ठीक है, इसके अब अगर आप देखें ना पीछे जो नंबर गला के बाहर नज़र आ रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पर देखें, ये साथ साए ना यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह, ये लाइटें लगी हैं जो रात को ऑन कर दी जाती हैं, और ये सब फ्रंट से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड पर नंबर गला के पहाड़ है और यहाँ पे सैन है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका फ्रंट है और ये दरमियान जो मार्बल है वाइट कलर, यहाँ पे ये इतना गर्म नहीं होता। ठीक है, तो अभी इस पर ना थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बननी है, यहाँ पे आपको बताया मुझे इतना शौक़ नहीं है, लेकिन जो लोग साथ आए होते हैं उनकी बनानी पड़ती है वीडियोस। मुझे तो यार शौक है वीडियोस का और पिक्चर्स का, लेकिन जिस जगह पे आए हैं उसकी ब्यूटी कैप्चर करने का या उसकी वीडियोस या पिक्चर बनाने का शौक है, तो उसकी हमने थोड़ी सी बनाई थी पिक्चर्स, ये देख सकते हैं आप। तो हम अभी लर्निंग स्टेज पे थोड़ी बहुत जो है ना कभी कभी अच्छी पिक्चर बना लेते हैं, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो लाजमी लाइक करें। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है कि हम आपके जाते हैं गर्मी में इतना आपके लिए, आपको मुख्तलिफ जगह दिखाने, तो अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, उसको शेयर करें। ठीक है जी, ये फ्रैंक से फैसल मस्जिद, हम मैंने आपको बताया कि हम बैक साइड सेंटर हुए थे, ये फ्रैंक से है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी हिस्ट्री के, शाह फैसल ने बनवाई थी पाकिस्तान और सऊदीया ने मिल के, जो आपको पता है कि हम सऊदीया ने पाकिस्तान बनवाई थी, फ्रैंकशिप को जो है ना वो मजबूत हुई थी इससे। ठीक है, ये आपको हिस्ट्री बताया, गालिबन सारों की पता होती है कि इसकी वो इतनी खास कर हिस्ट्री नहीं है, बस वही लिखी हुई यहाँ पे। ये इसका फ्रंट है, ये सामने वो गार्डन है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और इसी में अभी जो ना ज़ैवलाक का मज़ार भी है। ठीक है, अब मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, ज़ैवलाक के मज़ार पे जाने की मेरी कोई रीज़न ऐसी नहीं थी सच, मैं तो वहाँ पे अगर सच ना हूँ तो आपको आपकी डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, आप इख्तलाफ़ में से कर सकते हैं, लेकिन वो मैं फिर आपको कभी क्लियर कर दूंगा। अभी मैं ऐसा कोई दुआ करने नहीं गया था, मैं एक ऐसे शख्स की कब्र पर गया था ये सोच के कि जो अपने वक्त में बड़े अपने आप को समझते थे और आज मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ठीक है, इबरत हासिल करने गया था। ठीक है, कि जो वो लोग अपने वक्त में बड़े बड़े बादशाह बनते थे, ज़ियाउल्लाह, मुशर्रफ, अयूब खान, वो आज उनको कुछ किसी को पता भी नहीं है कि कौन है यहाँ पे दफन। ठीक है, तो इस पे फिर कभी बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मज़ार है, ये भाई जो है ना इनको बताया नहीं है हिस्ट्री का, आपका भाई तो हिस्ट्री के तालब इलम है, इसलिए ये दोनों दुआ कर रहे हैं, ये इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। ये थी जी हमारी फैसल मस्जिद की वीडियो, आपने देखी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्त में लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें, क्योंकि अभी हमारी ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई, अभी इसकी बहुत सी वीडियोज़ आनी है। इस्लामाबाद और पिंगली ट्रैवलिंग सीरीज़ में हमने
कोकली सतियाँ, मरी, इस्लामाबाद, पिंडी, इन सब जगह को कवर किया है, इन सब की जो अच्छी जगह उनको कवर किया है। तो वो सब वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे ये है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें तो खुद शौक है घूमने फिरने का, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको भी वो जगह दिखाएं। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।